हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो आप सब। मैं आपकी डाइटिशियन डॉक्टर हरप्रीत कौर आज आपसे डाइट से रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। व्हाट इज़ अ डाइट और आप डाइट को किस नज़रिए से देखते हो, सो डोंट वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ अ डाइट? डाइट मीन्स प्रॉपर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। डाइट का मतलब होता है जो खाना आप पूरे दिन में खाते हो। डाइट का मतलब बहुत ही सिंपल है गाइस, आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीते हो उसे हम डाइट कहते हैं। जो मैं पूरे दिन में खाती हूँ, मैं अपना पूरा दिन कैसे व्यतीत करती हूँ, मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ, दैट इज़ माई डाइट। डाइट का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको डाइटिंग करनी चाहिए, आपको कार्ब्स को बंद कर देना चाहिए, आपको फैट नहीं लेना चाहिए, आपको हाई प्रोटीन लेना चाहिए, आपको प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, आपको वेगन डाइट लेनी चाहिए, आपको लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, लो फैट डाइट लेनी चाहिए। नो, देयर यू गो रॉन्ग गाइस। यस, देयर यू गो रॉन्ग। डाइट मीन्स यू हैव टू टेक अ बैलेंस्ड फूड जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं गाइस, जिसमें आपका प्रोटीन होना चाहिए जो आपके मसल्स को एनर्जी देते हैं गाइस, जिसमें आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स होने चाहिए गाइस जो आपकी बॉडी को अगेन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके विटामिन्स और मिनरल्स होने चाहिए जो आपके बॉडी के इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म को होल्ड करके रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई तो समझ लो आप किसी ना किसी बीमारी के कब्जे में आ जाओगे। आई बात समझ में? तो डाइट का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको फास्टिंग करनी है और आपको खाना खाना छोड़ देना है। देर इज़ अ वे कि आपको डाइट खानी कैसे है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खाना खाना छोड़ देना है। डाइट मीन्स मुझे अपने खाने में गेहूं की रोटी, चाहे वो आपकी मकई की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, चावल हो, दालें हो, हरी सब्जियां हो, ढेर तरह के आपके फ्रूट्स हो, आपके ड्राई फ्रूट्स हो, वो सब आपको डेली खाने हैं, उसे हम डाइट कहते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, भाई अगर इतना सारा खाएंगे हम वेट लूज़ कैसे करेंगे, हमें तो ओबेसिटी है, हमें तो वेट लूज़ करना है, ऐसे तो हम वेट पुट ऑन ही करते रहेंगे, भाई इस बंदे को तो नॉलेज नहीं है। रिलैक्स, पूरी बात सुन लो। अगर आपने वेट लूज़ करना है तो आपको घर का ही खाना खाना है, आपको पैकेज्ड फूड नहीं खाना, आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, आपको रिफाइंड फूड नहीं खाना, आपको कोक्स नहीं पीने, आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड नहीं लेना, इन सबको क्विट करो अपनी डाइट से। आपको डाइट में से अपनी रोटी कम नहीं करनी, आपको डाइट में से अपना प्रोटीन कम नहीं करना, आपको डाइट में से अपने एसेंशियल फैटी एसिड दैट इज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 उनको कम नहीं करना। आपको कम करना है स्वीट्स, स्वीट्स को आपको कम करना है, आपको जो मैंने बोला प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर इन सबको कम करना है, और अपनी बॉडी के लिए एक घंटा निकालो यार। मोबाइल के लिए भी निकालते हो, टीवी के लिए भी निकालते हो, तो फिर अपने शरीर के लिए क्यों नहीं यार? आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हो, अगर आप गिर जाओगे, बीमार हो जाओगे तो आप बिस्तर में पड़े रहोगे भाई, कहीं नहीं जा पाओगे, तो थोड़ा सा टाइम इसके लिए निकाल लो। अब लोगों के मन में आता है कि मैम दिल तो करता है खाने का। बिल्कुल करता है यार, हमारा मन है मचलता है, खाने को दिल करता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं खाना चाहिए, डेफिनेटली खाना चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं यार, हफ्ते में 1 दिन रख लो, चलो 1 दिन कम है, 2 दिन रख लो यार, मैंने 2 दिन दिए, 2 दिन रख लो, आपको जिस दिन जंक फूड खाना है खाओ, बाकी 5 दिन तो ये सोचो कि मुझे इनको हाथ भी नहीं लगाना है। आपको मालूम है देयर इज लॉट ऑफ डाइट चार्ट्स इन इंटरनेट, और आजकल हर बंदा अपने नज़रिए से, अपनी नज़रिए से अगर वो देखता है तो वो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उसको खाने की नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड अपना दिन कैसे शुरू करती है? दवाई के साथ, जिन्हें रोज़ दवाई लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों? अगर हर बंदा अपने नज़रिए में डाइटिशियन है, और अगर आप लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज है, इतने सारे डाइट चार्ट्स पड़े हुए हैं हम कह देंगे नेट पे, तो फिर आज के टाइम पे 70% ऑफ द पॉपुलेशन, जो इंडिया की नहीं मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, 70% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है उनको खाने से रिलेटेड बीमारियाँ क्यों हो रही हैं? व्हाई मींस मोटापा, ओबेसिटी, डायबिटीज ये टॉप पे हैं। पहले के टाइम देख लो यार, बाबा आदम के टाइम के, तब तो खाने से कभी किसी को बीमारी नहीं होती थी, लोग 20-25 रोटियां खा जाते। आजकल तो ट्रेंड बना दिया वीट इज किलिंग यू, वीट नहीं खाना जहर है। क्यों भाई? गेहूं,
इंडिया खेती होती है इसकी, जहर कब से हो गया ये तुम लोगों के लिए? सोचो यार कभी बैठ के इसके बारे में। सिंपल से खाने को आज इतना कॉम्प्लेक्स बना दिए कि आप हर प्लेट में पड़ी हुई चीज़ को खाने से पहले सोचते हो। अगर सोचना है तो रेस्टोरेंट के खाने को सोचो खाने से पहले। अगर सोचना है बार में बैठे हो, फाइव स्टार होटल में बैठे हो, वहाँ के जो प्लेट में खाना पड़ा है, पिज़्ज़ा पड़ा है, बर्गर पड़ा है आपका, उसको खाने से पहले सोचो यार। घर के खाने को खाने से पहले क्यों सोचते हो? उसे तो झट से खा जाओ, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी बॉडी को हार्म करेगी। एवरी बॉडी हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, एवरी बॉडी हैज़ अ डिफरेंट जीन्स, और वो जो जीन्स है वो हमारा एनवायरनमेंट पहचानता है। जब उस एनवायरनमेंट से हमारे अंदर खाना जाता है, वो जो जीन्स है वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये खाना मेरी लोकैलिटी का है या नहीं, तो वो उसे इजीली डाइजेस्ट करते हैं कि यस ये मेरे लिए ही बना है। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, स्टार्टिंग में उन्हें खाना डाइजेस्ट नहीं होता। वाई? बिकॉज वो उनके कल्चर से नहीं है, वो यहाँ से जाते हैं, बट फिर वह 1-2 साल के बाद उनकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। बॉडी बेशक हैबिचुअल हो जाए, बट जीन्स को हैबिचुअल होने में भाई बहुत टाइम लगता है। दैट्स वाई उनका वेट पुट ऑन हो जाता है, किसी को फैटी लीवर की दिक्कत हो जाती है, कोई ओबीज बन जाता है, किसी के डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, किसी के स्किन में पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं उन लोगों को। जब यहाँ रहते थे तब तो नहीं होती थी, क्यों? तो सोचो यार, खाना है अपने घर का खाओ, लोकैलिटी में जो ओरिजिनेट होता है, फ्रेश फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब खाओ, बाहर के खाने की तरफ मत जाओ। दिल करता है कभी कभार खा लो, रोज़ नहीं। सो गाइज, आई थिंक हेयर आई कंप्लीटेड एंड आई मैं आप लोगों को समझा सकी हूँ कि डाइट क्या होती है और आप लोग डाइट को किस नज़रिए से देखते हैं और आपको किन किन चीज़ों का चेंज करना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल में। थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए। नाउ ट्राई योर टाइम, ट्राई योर मीन्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए दोनों के दोनों कमेंट्स ही बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। बाय।